व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज बिलाल। इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट इफेक्ट्स इन जे क्यूरी। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्टो, डिले एंड फिनिश इफेक्ट की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं जाऊँ अपने स्लाइड्स पे, और लास्ट लेक्चर में गाइस हमने कवर किया था स्लाइड अप, स्लाइड डाउन एंड स्लाइड टूगल। ओके, तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डिले, स्टॉप एंड फिनिश। ओके, तो मैं आता हूँ अपने एडिटर पे। ओके, और यहाँ पर गाइस इसका डुप्लीकेट जो है मैं क्लिक करता हूँ। ओके, स्लाइड का जो फोल्डर है पूरा का पूरा जो है, इसको मैं डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ। मीन के यहाँ पर जो है, मीन के यहाँ पर लिखता हूँ स्टॉप डिले। ठीक है, तो गाइस इस स्लाइड का जितना फाइल था, जितना फोल्डर, सब का सब यहाँ कॉपी हो चुका है और सारा कोड भी इसमें कॉपी हो गया। ओके, तो ओके, तो अगर मैं यहाँ पर दो बटन और ऐड करूँ, ओके, तो यहाँ पर मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ, और ये BTN हमारे पास 4 है और ये BTN हमारे पास 5। ओके, और ये जो है हमारे पास स्टॉप होगा। ओके, स्टॉप, और ये जो होगा हमारे पास डिले। ठीक है, सेव। ओके, अगर मैं इसको ओपन करूँ ब्राउज़र में, ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टूगल, स्टॉप, डिले। ओके, तो हमारा जो HTML का पार्ट कंप्लीट हुआ। ओके, अब मैं आता हूँ अपने JS पे। ओके, तो यहाँ पर अब मैंने क्या करना है, इसे मैं कॉपी करता हूँ इसी कोड को। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अगर गाइज आपने मेरे लास्ट लेक्चर जो है वो नहीं देखे, मीन के जैसे हाइड, शो, टूगल, स्लाइड का, फेड का, तो पहले आप उनको कवर करें एंड देन गाइज फिर आप इस पे आए। ठीक है, तो यहाँ पर BTN4, जैसे BTN4 पे क्लिक करूँ तो फंक्शन चले। फंक्शन क्या हो, वो स्टॉप हो। ओके, और यहाँ पर जो है सेव। ओके, अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं गाइस स्लाइड टूगल करूँ, तो देखिएगा स्लाइड ऊपर, जैसे स्टॉप पे क्लिक करूँगा तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा हम इसको ओके 5000 मिली सेकेंड दे देते हैं कि 5 सेकेंड में ये यानी कि हाइड हो और शो हो। ओके, तो अगर मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करूँ, तो स्टॉप करूँ यहाँ पर, तो देखें यहाँ स्टॉप हो जाएगा। फिर दोबारा मैं क्लिक करूँगा, स्टॉप करूँ तो स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो अगर स्लाइड डाउन करूँ, फिर स्टॉप करूँ, ये है स्टॉप का फंक्शन। ओके, तो अब इसी तरीके से अगर मैं फिनिश दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर मैंने फिनिश लिखना था, मैंने डिले लिख दिया। ओके, फिनिश, ठीक है, सेव। तो BTN5 है हमारा ये, इसी को मैं कॉपी करता हूँ गाइस। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये BTN5 है हमारा, सेव। ओके, और फिनिश, ठीक है, सेव। और अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ अब, ओके, तो आप देखिएगा यहाँ पर, अगर जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँ और स्लाइड टूगल पे क्लिक करूँ और फिनिश करूँगा, तो ये देखिए सारा एकदम फिनिश कर देगा। ओके, और अगर फिर से दोबारा करूँ, स्लाइड टूगल करूँ, फिनिश, फिर से दोबारा करूँगा, स्लाइड डाउन होगा, फिनिश जल्दी से हमारा हो जाएगा। ओके, तो ये है फिनिश एंड स्टॉप। स्टॉप क्या करता है, वहीं स्टॉप कर देगा, फिनिश जल्दी से उसको फिनिश कर देगा। ओके, अगर वो स्लाइड डाउन होगा तो जल्दी से स्लाइड डाउन कर देगा, अप होगा तो अप कर देगा। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं डिले दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं डिले यूज़ करूँगा, डॉट डिले, ठीक है, सेव। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 2 सेकेंड या 3 सेकेंड हम कर लेते हैं, 3000 मिली सेकेंड। तो अगर गाइस देखें, मैं रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा और उसके 3 सेकेंड के बाद ये स्लाइड अप होगा। ओके, अगर मैं क्लिक करूँ तो 3 सेकेंड, 1, 2, 3, ठीक है, तो ये देखिए आप स्लाइड 3 सेकंड के बाद स्लाइड अप होगा। ओके, तो ये था हमारे पास डिले का फंक्शन एंड फिनिश एंड स्टॉप। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।